यूपी में दान के रक्त की हो रही धांधली के खुलासे ने राजस्थान के औषधि नियंत्रक संगठन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि खुद औषधि नियंत्रक संगठन की जांच में पता चला है कि बीते दो सालों में 8 ब्लड सेंटर्स से 11,000 यूनिट से अधिक ब्लड यूपी भेजा गया, लेकिन जिम्मेदारों को ये नहीं पता कि किसी एनओसी के जरिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे मामले में ब्लड सेंटर्स की जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। आखिर क्या है राजस्थान के ब्लड का यूपी कनेक्शन और कैसे ब्लड बैंकों में नियम कायदे हवा हो रहे हैं? पेश है फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रक्तदान महादान, जी हां, इसी सोच के साथ चिकित्सा विभाग न सिर्फ ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने को प्रयासरत है, बल्कि ये कोशिश भी जारी है कि दान का खून कमाई का धंधा न बने। इसके लिए विभाग स्तर पर कई गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं, साथ ही ब्लड सेंटर्स पर ब्लड की रियल टाइम मॉनिटरिंग के दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम की उदासीनता के चलते कुछ ब्लड सेंटर विभाग की छवि खराब कर रही हैं। इसकी बानगी यूपी में पिछले दिनों हुई कार्रवाई में देखने को मिली, जहां अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे 300 यूनिट ब्लड को जब्त किया गया। ये बात ब्लड के राजस्थान से यूपी आने के बाद सामने आई। इसकी सूचना मिलते ही राजस्थान के औषधि नियंत्रक संगठन ने भी सक्रियता दिखाई और उन ब्लड सेंटर्स पर एक साथ छापे मारकर जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक संगठन ने जांच में माना कि ब्लड सेंटर्स से 11,000 यूनिट से अधिक ब्लड यूपी भेजा गया, लेकिन औषधि नियंत्रक अजय फाटक का कहना है कि नाको की गाइडलाइन के मुताबिक इंटर स्टेट ब्लड भेजा जा सकता है। रक्त के इस धांधली प्रकरण में औषधि नियंत्रक संगठन सवालों के घेरे में है। दरअसल पिछले दो सालों में 11,000 यूनिट से ज्यादा उत्तर प्रदेश ब्लड भेजा गया। इनमें जयपुर के रेड ड्रॉप सेंटर से 2,645, तुलसी ब्लड सेंटर से 3,395, पिंक सिटी ब्लड सेंटर से 526, गुरुकुल ब्लड सेंटर से 1104, ममता ब्लड सेंटर से 163, चूरू के शेखावटी ब्लड सेंटर से 1920 और सीकर के मानवता ब्लड सेंटर से 2,095 यूनिट ब्लड यूपी भेजने की पुष्टि हुई है। लेकिन औषधि नियंत्रक संगठन का दावा है कि नाको की गाइडलाइन में जिक्र है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के ब्लड सेंटर में ब्लड भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को सूचना देना जरूरी होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सही जगह पर ब्लड भेजा जा रहा है? क्या ये किसी सरकारी एजेंसी की निगरानी में हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन? हालांकि फर्स्ट इंडिया के सवाल पर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने कहा कि अभी यूपी औषधि नियंत्रक संगठन और नाको से रिपोर्ट ली जा रही है, इसके बाद इन ब्लड बैंकों से यूपी भेजे गए ब्लड की सही जानकारी सामने आएगी। अब हम इस चीज की जांच कर रहे हैं कि हमारे जो ब्लड बैंक हैं, जहां पर जहां से सप्लाई हुआ है, उन ब्लड बैंकों के द्वारा यूपी के जो ब्लड बैंक हैं उन्होंने वास्तव में ऑर्डर दिया था और वहाँ पे वो ब्लड पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर को लिखा है कि वह इसके अंदर जांच करके हमारे को बताएं कि वहाँ के जो ब्लड बैंक हैं उन्हें वो ब्लड पहुँचा है या नहीं पहुँचा। वहीं यूपी में पकड़े गए मुख्य आरोपी नौशाद का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया। नौशाद ने जोधपुर के एक ब्लड सेंटर में काम करते हुए बड़ा नेटवर्क बनाया था। आरोपी ने पूछताछ में 700 से 800 रुपए में एक यूनिट ब्लड खरीदने की बात को स्वीकारा। साथ ही उसने बताया कि वो लखनऊ, बहराइच, उन्नाव, हरदोई में ब्लड सेंटर्स पर ब्लड बेचता था। ब्लड सेंटर्स को औषधि नियंत्रक संगठन की ओर से मिली क्लीन चिट पर कई सवाल खड़े हो गए। इनमें सबसे अहम पांच सवाल ये हैं। नियम के अनुसार शुद्धता के नाम पर जब अंतर जिला रक्त ट्रांसफर के लिए एडीसी डीसी को सूचना देनी होती है, तो फिर दूसरे राज्यों तक जा रहे ब्लड की सूचना और एनओसी से ड्रग डिपार्टमेंट कैसे बेखबर रहा? वही नियमानुसार 20 दिन के बाद ही ब्लड बैंक दूसरी जगह के लिए ब्लड भेज सकता है, वो भी संबंधित ब्लड बैंक के उपयोग का अधिकतम 30% ही है। जबकि कई ब्लड बैंक ऐसे हैं जो महज 5 से 7 दिन के बाद ही यूपी में ब्लड भेज रहे हैं। हर ब्लड बैंक के लिए उपभोक्ता से टेस्टिंग चार्ज तय है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट एलाइजा होता है। अधिकतर ब्लड सेंटर्स पर एलाइजा टेस्ट का रॉ डेटा संकलित नहीं किया जाता और न ही सॉफ्ट कॉपी में बैकअप मेंटेन होता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन में मैनुअल रजिस्टर में एंट्री की खाना पूर्ति होती है। क्या इस तरह की अनियमितताएं अधिकारियों की जानकारी में है? इनके अलावा जिन ब्लड बैंकों की अभी जांच की गई है, उनमें से कई के खिलाफ पिछले दिनों की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं मिली थी,
बकायदा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति क्यों की गई? वहीं औषधि नियंत्रक संगठन के अधिकारियों का पक्ष है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यूपी पुलिस, औषधि नियंत्रक संगठन और नाको से भी जानकारी मांगी गई है। जब वहां से सूचना ही नहीं मिली तो फिर विभागीय अधिकारी कैसे ब्लड बैंकों को क्लीन चिट दे रहे हैं? ऐसे कई अहम सवाल हैं जो औषधि नियंत्रक संगठन से जवाब मांग रहे हैं। पिछले साल ब्लड सेंटर्स पर चल रही अनियमितताएं पिछले साल भी चर्चाओं में आई थी। ऐसे में डीसीओ ने सभी ब्लड बैंकों पर छापा मारकर कार्रवाई की, जिसमें कई तरह की लापरवाहियां सामने आई। खुद औषधि नियंत्रक अजय फाटक भी स्वीकारते हैं कि पिछले दिनों की जांच में अनियमितताएं मिली थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए खुद का बचाव भी किया कि इन सभी सेंटर्स को नोटिस देकर जवाब लिया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही हम नाको के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसके अंदर उनको नेशनल काउंसिल जो है इनकी, उसको इंटीमेट करना होता है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं कि जो इतना ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है और जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वास्तव में नाको और कंसर्निंग नेशनल एजेंसी है, उसको इंटीमेट किया गया है अथवा नहीं। अच्छा, अगर ये इंटीमेट नहीं किया गया तो ये परिवहन जो हुआ है वो अवैध माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अगर उनके द्वारा इंटीमेट इस संबंध में नहीं किया गया है तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यूपी की कार्रवाई के बाद राजस्थान के ब्लड सेंटर के साथ ही औषधि नियंत्रक संगठन की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। जानकारों की माने तो जिस गति के साथ औषधि नियंत्रक संगठन ने ब्लड सेंटर्स को क्लीन चिट दी है, उतना फोकस यदि तथ्यों की पड़ताल में किया जाता तो शायद कहानी कुछ और ही निकलती। वहीं इस घटनाक्रम से उन लोगों को भी गहरा धक्का लगा है जो न सिर्फ खुद नियमित रक्तदान करते हैं बल्कि लोगों के लिए भी प्रेरणा है। ऐसे में उम्मीद ये है कि औषधि नियंत्रक संगठन लोगों की भावना समझेगा और पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर लिंक की गहराई से पड़ताल होगी, ताकि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा सके। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।